हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं अभी अमगारा में हूँ और अभी मैं रूम में भी सेटल हो गया हूँ और काम पे भी मतलब लग गया हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं साइड पे आया वैसे ही जो है यहाँ पे मतलब कि ईद चालू हो गया, यानी कि ईद की छुट्टी चालू हो गई। तो दोस्तों मतलब कि ये वीडियो में मैं आपको जो है बताऊँगा जो मतलब कि जैसे मेरे साथ में जैसे अभी हुआ है प्रेजेंट टाइम में, ऐसे मतलब कि कोई भी भाई जैसे जो फर्स्ट टाइम नया नया आने वाले हैं या जो कुवैत आने के लिए सोच रहे हैं तो वो मतलब कि उनसे ये चीज़ें ना हो। क्योंकि दोस्तों देखिए, मैं अपने वीडियो में जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो टोटल रियलिटी मतलब कि मेरे साथ कैसा हो रहा है और कैसा लोगों के साथ होता है, इसी तरह से होता है, मैं वो सब चीज़ें आप लोगों से शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है कुछ जानकारी मिले, कुछ मोटिवेशन मिले। तो जैसे अभी मैं मतलब कि पहले मैं फाइल में रहता था, तो फाइल में वहाँ पे जब मैं रहता था तो वहाँ कैसा था, हम लोग चार लोग एक साथ में बनाते खाते थे खाना। तो मतलब चारों लोगों का ऐसा था कि जैसे किसी किसी का कभी ऐसा हो जाता कि भाई घर पे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई तो घर पे जो है पैसा जो है भेज लिए। तो चारों लोग जो हम लोग बनाते खाते थे उनमें से दो भाई ऐसे थे जो गांव से आए हुए थे, तो उनको जो है पैसे की थोड़ी ज़रूरत थी। तो वो बोले कि भाई ये महीने में मैं मतलब कि मेस में यानी खुराकी में पैसा जो है उतना नहीं दे सकता हूँ, कृपया आप अपने पास से लगा के जो है कर दो। तो मैंने जो है मेस में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा दिया, तो मैं मेस में पैसा लगा दिया और मुझे साइड पे भेजने वाले थे, ये चीज़ मुझे बाद में बताया जब मैं पैसा लगा दिया। जब तो मतलब कि वहाँ पे जैसे मैं फाइल में था वहाँ पे था, अगर मैं वहाँ पे रहता तो कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अभी यहाँ पे मैं आ गया हूँ अमगारा में और यहाँ पे दोस्तों ईद चालू हो गया, यानी आज 3 तारीख है, इंडिया में आज ईद है लेकिन यहाँ पे 2 तारीख को ही ईद था। तो 2 तारीख से मेरी छुट्टी है और ऑलरेडी 3 दिन की छुट्टी मतलब मिली हुई है। और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी लोग जॉब करते हैं उनको जो है 3 दिन की छुट्टी मिलती है, लेकिन सरकारी काम जो होता है, जो सरकारी कंपनी में मतलब काम करते हैं, तो उनको जो है 7 से 8 दिन की छुट्टी मतलब मिलती है। तो यूँ मान के चलिए कि बैंक जो है सरकारी मतलब बैंक है, तो बैंक जो है जितना दिन छुट्टी रहेगा मतलब 7 दिन 8 दिन या 9 दिन उतना दिन समझ लो बैंक बंद रहेगा। तो मेरा सैलरी जो है मुझे नहीं मिला और मैं मतलब ये मान के चलो 3 दिन बिना पैसे के दिन भर मतलब रूम पे ही मतलब रहा हूँ। तो ये चीज़ें दोस्तों मतलब कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे अभी मान लो यहाँ पे ईद है और ईद के दिन मतलब छुट्टी मतलब थी, तो मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा ना होने की वजह से इसलिए मैं बाहर जो है नहीं निकल पाया। और सबसे बड़ा रीज़न यह है कि मतलब पैसा मेरे पास नहीं था, तो उसका मेन कारण क्या था कि जो मैं वहाँ पे फाइल में था वहाँ पे मेस में मैंने ज़्यादा पैसा लगा दिया था। मैं अपने पास में हर महीने 20 दिनार से 40 दिनार एक्स्ट्रा रखता हूँ, यानी कि मैं 40 दिनार पर महीने का जैसे 30 दिनार अगर यहाँ पे खर्चा आता है, बनाते खाते हम लोग खुद है, 30 दिनार खर्चा आता है, तो मैं 40 दिनार अपने पास में रखता था। लेकिन मैं वहाँ पे मेस में क्या था ज़्यादा पैसे लगा दिया और उसी समय मेरा साइड पे जो है मतलब चेंज हो गया, मेरा मतलब कि पूरा सेटअप ही मतलब ख़राब हो गया। मैं बनाता खाता था वहाँ से, फिर वहाँ से मुझे नए जगह पे भेज दिए, अभी मैं यहाँ नए जगह पे आ गया हूँ। तो मुझे मतलब कि हालांकि खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एक भाई से जो है पैसा लेके ऑलरेडी मतलब कि सेटअप अपना कर लिया है, खाना जो है बनाते खाते हैं, लेकिन फिर भी मेरे पास पैसा नहीं है। और नए जगह पे जब हम जाते हैं तो किसी से ऐसे डायरेक्ट बोल भी नहीं सकते कि भाई मुझे पैसे दे दो, क्योंकि आप नए नए रहोगे आपको कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो इसी तरह से मैं भी हूँ, अभी मैं मतलब कि जहाँ पे आया हुआ हूँ यहाँ पे मतलब कि साइड पे दो एक बंदे मिले हुए थे, तो मैं उनसे बातचीत किया, तो मतलब ये था कि भाई सब अपने अपने हिसाब से उसी हिसाब से महीने का पूरा बैलेंस जो है बचा के रखते हैं कि उनका खर्चा जो है चल जाए। तो मेरे साथ कैसा हुआ कि मैं वहाँ फाइल में बनाता खाता था, वहाँ पे मैंने मेस में ज़्यादा लगा दिया और उसी समय ऐसा हो गया कि मतलब मेरा साइड चेंज हो गया। अब मैं इधर साइड पे आया तो ये सोचा कि चलो 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी, 2 तारीख को ईद है यहाँ पे, 1 तारीख को सैलरी आ जाएगी तो सब सेटअप हो जाएगा। लेकिन भाई यहाँ पे 1 तारीख को सैलरी नहीं आई, तो इस वजह से मेरा कैसा हो गया कि 1 तारीख को सैलरी नहीं आई तो मतलब कि मेरे पास पैसा ही नहीं है और जो पैसा था ऑलरेडी मैं वहाँ पे लगा दिया। तो इस वजह से मेरा मतलब मान के चलो कि पूरा 3 दिन जो है छुट्टी है ईदगाह और 3 दिन सिर्फ रूम में ही जो है बैठे रह गया ऐसे ही, मतलब कि पैसे नहीं है पास में दोस्तों। हालांकि खाते में मेरे पैसे हैं, तो अब खाते में पैसे हैं तो यहाँ पे इंडिया का पैसा नहीं चलता, यहाँ पे दिनार चलता है। तो दिनार मान लो खाते में मेरे है तो यहाँ पे किसी को ऐसे दे भी नहीं सकते। मान लो मुझे अगर कैश पैसा रहता मेरे पास में तो मैं वो पैसा एक्सचेंज करके भी मतलब जाके एक्सचेंज में ले सकता था दिनार, लेकिन मेरे पास कैश नहीं है, खाते में पैसा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये वीडियो में ये चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की कि जो भी भाई नए नए आते हैं फर्स्ट टाइम आते हैं, वो ये मान के चलो कि अपना 1 महीने का सैलरी जो है
बचा के रखे, मैं भी बचा के रखता था, लेकिन क्या था पिछले महीने थोड़ा ज़रूरी था पैसे का, तो मैंने जो है भेज दिया था घर पे, और एक भाई का मैं कर्जा था पैसा, तो मैंने भेज दिया उनको भी, तो मैं इसके वजह से मेरे पास पैसा नहीं था। एक महीने का पैसा ऑलरेडी यहाँ पे बचा के रखना चाहिए, कम से कम ये मान के चलो 100 दिनार, मतलब हर महीने का जो भी आपका सैलरी आता है 100 दिनार अपने पास में यहाँ पे रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी इमरजेंसी आ जाएगी, मान लो अगर घर जाना पड़ेगा इमरजेंसी में, तो भी आपके साथ यही चीज़ होगा जो मेरे साथ हुआ। और मैं इसलिए ये चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों कि अभी जो मैं फील कर रहा हूँ ये मतलब आप लोगों से ज़रूरी इसलिए समझा कि बता दूँ, ताकि आप लोगों को जो है थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए और थोड़ा कुछ मालूम हो जाए, क्योंकि जो लोग भी मतलब नए नए होते हैं, जो भी भाई फर्स्ट टाइम आते हैं नए नए, तो उनको ये सब चीज़ें पता नहीं रहता है। आप बताओ मेरे पास में खाते में पैसा रहते हुए मैं बिना पैसे का यहाँ पे हूँ, और बिना पैसे का बोले तो मतलब कि खाने पीने का तो मतलब कि अरेंज हो ही गया है किसी ना किसी से लेके, मेरे मोबाइल में रिचार्ज ख़त्म हो गया था, रिचार्ज के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, सोचो। तो मैं एक भाई से बोल के मतलब कि 5 दिनार उनसे उधार लिया हूँ कि भाई हाँ मैं मुझे 5 दिनार दे दो, मुझे रिचार्ज कराना है, तो मैं रिचार्ज कर लिया हूँ। क्योंकि दोस्तों देखो, बाहर में जब हम आते हैं ना, अगर हम मोबाइल से ही एक दूसरे से कनेक्टिविटी बना के रखे हुए हैं, अगर बाहर में आएंगे अगर रिचार्ज नहीं रहेगा तो ये मान के चलो हम और नहीं रह पाएंगे। तो मान लो खाने पीने का कुछ नहीं, खाना पीना तो बनाते खाते ही हैं, लेकिन यार पास में पैसा नहीं है तो उसका दुख मुझे बहुत है, और मतलब इसके लिए मुझे बताने में भी कोई अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि यार देखो ये रियलिटी है। मान लो मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो आपके साथ भी मतलब ऐसा होए, तो मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि आप मतलब कि हर महीने का कम से कम मान के चलो जितना भी आप भेज ले, तो जितना भी आप कमाते हो उसके लिए कि 100 दिनार अपने पास में कैश रखा करो। तो मतलब मैं भी अब आपसे एक कसम खा लेता हूँ कि चाहे कितना भी अर्जेंट होएगा, कुछ भी होएगा, लेकिन मैं 100 दिनार ये मान के चलो एक महीने की पूरी सैलरी ही मैं अपने पास में बचा के रखूँगा। क्योंकि यार ये 3 दिन जो ईद था, मान लो ईद में अब मैं तो हिंदू हूँ तो मतलब कि मेरा चल गया ऐसे ही, लेकिन जो मुस्लिम भाई हैं उनका बिल्कुल नहीं चल पाएगा। क्योंकि यार देखो, अब मैं हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा हूँ तो आप ऐसा मत सोच लीजिए कि मतलब अरे मैं हिंदू मुस्लिम कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं यार, मैं ये चीज़ बताने के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि मतलब आपको मालूम पड़े। जैसे मान लो मैं हिंदू हूँ तो मतलब कि मुझे मतलब उतना ज़्यादा नहीं ये करना, मान लो ईद है, मतलब ईद है, मुस्लिम भले नहीं हूँ लेकिन ईद है यार, सब लोग छुट्टी पे रहते हैं, सबका मतलब घूमने का मन करता है, तो मेरा भी मन करता है घूमने का कि चलो मेरे पास पैसा रहता तो मैं भी घूमता, साथ में कुछ खाते पीते, लेकिन यार मान के जो मेरे पास पैसा ही नहीं है तो भी मैं क्या कर सकता हूँ, तो इसके लिए रूम पे ही पूरा दिन बैठे रह गया। तो ऐसा नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, मतलब कि अब उनका त्यौहार था मुस्लिम भाइयों का, तो भाई जाहिर सी बात है यार त्यौहार रहेगा तो ईद सेलिब्रेट करते हैं, और साल में एक बार तो ईद आती है, जैसे हमारी दिवाली आती है वैसे साल में एक बार ईद आती है। तो ईद पे कैसा होता है कि नए कपड़े लेना रहता है, और मतलब कि सेवई वगैरह मिठाई वगैरह सब कुछ मतलब कि बनाते हैं, बढ़िया से खाते हैं, तो अच्छा लगता है, और हम लोग भी साथ में रहते हैं तो हमें भी खुशी होती है। लेकिन यार इस जगह पे मुझे मतलब कि दुख हो गया यार कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, और मैं पैसा ना रहने की वजह से मतलब कि मैं कहीं जा ही नहीं पाया। बताओ 3 दिन मैं ऐसे ही रूम पे खाली बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, बना रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ। तो ये चीज़ें बहुत मतलब कि मुझे तकलीफ़ दे के गया, बहुत मतलब कि अच्छा नहीं लगा। लेकिन अब मान लो नए जगह पे आया हुआ हूँ, नए जगह पे सेटल हुआ हूँ, तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखो अब सैलरी कब आती है, कल आती है, परसों आती है सैलरी आएगी, तो मैंने ये सोच लिया है कि भाई अब एक महीने की सैलरी अपने पास में ही रखना है, और जो है मुझे उसको घर पर नहीं भेजना है। तो अभी मैं अपने जो है मतलब कि नए कैंप में मतलब हूँ, आमगारा में हूँ, और मुझे काफ़ी चीज़ें मतलब दोस्तों बताना था, काफ़ी चीज़ें मैं वीडियो डालता हूँ। मैंने वो जो वोमिटिंग वाला प्रॉब्लम का मैंने वीडियो डाला था, तो एक भाई कमेंट करके बोल रहे हैं कि तू कामचोर है, तू ऐसा है वैसा, मतलब कुछ भी कमेंट करते। तो देखो भाई ऐसा है यार कि मैं अपनी प्रॉब्लम को बताता हूँ, मतलब आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैं अपना ही प्रॉब्लम दिखा के रोते रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये सबके साथ हो सकता है, मान लो आपको नहीं हो रहा वोमिटिंग तो अलग प्रॉब्लम, लेकिन मुझे वोमिटिंग हो रहा था मैंने बता दिया। तो इसमें क्या होता कि भाई जिनको लगता है कि हाँ ये कुछ नॉलेज वाली चीज़ें मतलब बता रहा भाई, तो वो देखते हैं, जिनको नहीं लगता है तो कुछ भी अनाप शनाप बक देते हैं। तो देखो भाई आप आज़ाद हो, मैं भी आज़ाद हूँ, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं, जो मैं बोलता हूँ वही सही है, जो मैं बोलता हूँ जैसा वही करो, आप भी मतलब कि जैसा आपको लगता है आप भी वैसे ही करो, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं यहाँ से छोटी मोटी चीज़ें जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, जैसे मतलब मान लो मैं इंडिया से आया हूँ तो यहाँ पे काम कर रहा हूँ, अब मेरे साथ कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं वो सब अगर मैं बताऊँगा YouTube के जरिए, तो जो भी भाई मतलब नए नए होते जो देखते हैं तो उनको कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, और कमेंट करके बताते भी हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार मेरी वीडियो से मतलब कुछ कुछ भाइयों का मतलब हेल्प हो रहा, कुछ भाई लोग मतलब समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं जो भी चीज़ें मेरी लाइफ में होती रहती हैं तो मैं वो सब चीज़ें आप लोगों से शेयर करते रहता हूँ। तो दोस्तों बस इस वीडियो का बनाने का मोटिव इतना था कि जब भी आप फर्स्ट टाइम कुवैत में आएँ, चाहे
मतलब कि घर खाते में वैसे मैं नहीं बता सकता हूँ घर खाते में कैसा है, लेकिन ये मान के चलो अगर कंपनी में आप आते हैं किसी भी कंपनी में काम करने के लिए कुवैत में, तो आप अपने पास में एक महीने की सैलरी ज़रूर बचा के रखें ताकि आपको इस तरह का सामना ना करना पड़े जैसे अभी मतलब कि मेरे साथ में मतलब हो गया है। यहाँ पे 3 दिन से खाली ऐसे बस सो रहा हूँ बैठ रहा हूँ, सो रहा हूँ बैठ रहा हूँ, खा रहा हूँ, बस ऐसे ही। लेकिन ये मान के चलो सिर्फ मतलब कि राशन, मतलब मेरे पास राशन ही सिर्फ है, बाकी पैसे नहीं है, और पैसे पास में नहीं रहता यार तो दिल कैसा होता है ये तो मालूम ही है आप लोगों को। क्योंकि भाई मान लो बाहर में यहाँ पे हम हैं, अगर हमारा कुछ खाने पीने का दिल किया तो मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो इस वजह से मतलब कि मान के चलो कि आपके पास हर महीने का मतलब कि जितना भी आप कमाते हो एक महीने का सैलरी आप अपने पास में बचा के रखो। और मैं भी आज से मैं भी ये 100% बोलता हूँ, एक महीने की सैलरी जो है बचा के रखूँगा चाहे कितना भी इमरजेंसी आ जाए। मैं गांव से आया था, काफ़ी भाइयों से मैंने पैसे कर्जे लिए हुए थे, क्योंकि आपको मालूम है कोविड के समय मैं इंडिया में फंस गया था और 10 महीना इंडिया में रह के आया हूँ। तो भाई उस समय जब हम गाँव में रहते हैं यार तो मान लो अब क्या करेंगे, गाँव में कोई अर्निंग का जरिया नहीं था तो कमाने का कोई ये नहीं था। तो इस वजह से जो भी भाई हमारे थे जान पहचान के उनसे अगर हम बोले तो भाई वो दे दिए, तो अब वो दे दिए पैसा तो उनको भी हमें पैसा रिटर्न करना है ना। तो अभी यहाँ पे आ गए हैं तो जो भी हम कमाते हैं वो पैसा तुरंत जो है भेज देते हैं, क्योंकि भाई देखो हमारे समय पे अगर अगला बंदा खड़ा है तो उसके समय पे भी यानी कि उसके बोलने के पहले ही मैं पैसे दे दूंगा, तो फिर दोबारा अगर ऐसी कोई बात होएगी तो फिर मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो यही सब चीज़ें बताने के लिए मैं सोचा चलो थोड़ा बता देता हूँ। बाकी अभी मैं वीडियो जो है डालूंगा आप लोगों के लिए जो भी जानकारी वाली चीज़ें हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए। तो चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।